अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हमें मुमरा के अम्बेडकर नगर में यहाँ पे एक राशन की दुकान है जिसका नाम है श्री श्री उमेश शंकर एन यादव। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि हम लोगों को इस महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है, क्या पूरी वजह है, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या परेशानी है आपको? मेरा नाम साईराम मानव है। मुझे परेशानी ये है कि ये बोलता है कि राशन अभी तक आया नहीं इधर, इसके साथ वाला और एक बंदा वो बोलता है कि गाड़ी नहीं आती, अंदर माल भरा है गुस्सो, उसके लिए गाड़ी मंगाए थे कि नहीं मंगाए थे, कि वो अपने उठा के लेके आए थे ड्राइवर से, और कौन सा राशन, अभी दो तीन दिन से बंद किया ये चीज़, तो राशन की गाड़ी के लिए कोई मना नहीं करेगा, यहाँ के कोई समाज से मना नहीं करेगा कि तुम गाड़ी मत अंदर लो करके, राशन की गाड़ी आने के लिए कोई मना नहीं करेगा, तो झूठ झूठ बोल के राशन देता नहीं। अभी भी आए थे अभी 4 बजे इधर, लेडीज लोगों को बोलता दो चार दिन बाद आओ, क्यों दो चार दिन बाद आओ, और लेडीज लोग अकड़ के बात करता, सबसे बड़ी ये महीने में दो बार राशन मिलता है, तो इससे पहले राशन मिला वो पैसा लेके दिया है, पैसा लेके वो दिया एक बार, और उसके बाद अभी तक दिया नहीं। उसके बाद जो फ्री का राशन बोले 5 किलो जो देना है पर पर्सन को, वो अभी तक नहीं दिया। ये पहले मैंने प्रहार न्यूज में सुना था कि RC नंबर से आप चेक कर सकते हो, तो मैंने बहुत से नंबर चेक किया था। अभी इसमें एक है रमेश कदम करके है, नरेश कदम करके, इसका RC नंबर आप ही बताओ क्या लिखा है, 99, उसने खुद लिखेला है ये डबल, वो बोलता है कि आधा ही नंबर लिखना आता है, 0 है, 10 डाल के देखा जब उसका डिटेल आ रहा है, और बहुत से लोग का इसने ये नंबर पे 6 नंबर चिपका के छोड़ दिया है। ये देखो इसके अंदर 12 नंबर है। तो कितने टोटल राशन कार्ड है जिसमें से RC नंबर चेंज हुआ है? बहुत से, अभी मेरे 40 के पूरे ऐसे है, मैंने अभी तक चेक किया मुझे एक भी नहीं मिला, खाली मेरे घर का एक मिला है, जो मेरी मम्मी अकेले रहती है उसका अकेले का मिला डेटा, उससे मुझे पता चला ये 10 नंबर है। तो आपने पूछा राशन वालों से कि क्यों मेरा RC नंबर चेंज? जरूरी क्या बोलते हो, वो क्या जरूरी बोलते है, तुमको क्या करना है पूछ रहा है, वो अभी बोल रहा है, और अभी मेरे इस पे RC नंबर लिख रहा है, अभी जब मैं आया पूछने तो अभी इस पे लिख रहा हूँ आगे का नंबर, पहले इतने नंबर दिया अभी ये लिख के बोलता है कि लिख दिया ना पूरा, अरे लिख दिया तो ये 6 नंबर पे तू निकाल के दिखा मुझे डिटेल मेरा, उस पर ऑयल मिलता है 3 किलो, वो डिटेल में लिखा है क्या, अरे का इंसान को ऑयल मिलना चाहिए, तेल मिलना चाहिए, उड़द की डाल है, चने की डाल है, बहुत सी चीज़ है, वो कोई डिटेल चेक नहीं करता लगता है, लेकिन मैं चेक किया उस दिन, अब मैं पूछता हूँ तो बोलते कुछ नहीं, खाली हम लोग को घेऊ देता है और चावल देता है और तो कुछ भी। कितने दिन से तुमको टाला जा रहा है कि राशन नहीं है, राशन ले कल या परसों, कितने मतलब कितने दिनों से टाला जा रहा है राशन के लिए? अभी तो 18 तारीख से हो गया ये महीने का, अरे हर महीने का इसका, इसका हर महीने का ये तो 18 तारीख से अभी है, अभी लॉकडाउन में ये परिस्थिति है, बाकी टाइम तो हर महीना उसका ऐसे नाटक है। यहीं पे हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या कहना, आप हर महीना आते हो यहाँ पे राशन लेने? हर महीना तो आते ही है, लेकिन हर महीना बोलते आज नहीं है कल नहीं है, ऐसा 15 दिन तो ऐसे ही घुमाते रहते हैं, हम लोग चक्कर काट के थक जाते हैं कि जाने दो अभी क्या जाना अभी, और जाएंगे तो इतना लाइन लगा रहते, थक जाते, काम धंधा करके आते हैं और घर में बैठ जाते, लेकिन ये अभी लॉकडाउन के टाइम पे अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी बोलते कि हम लोग 5 बजे आए थे तो जो भी क्या बोले नहीं आया अभी 2 दिन के बाद, तो हम बोले चिल्ला के मत बोला करो इतना, तो हम लोग अच्छे से बोल रहे ना तुम क्यों चिल्ला, तो नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, उधर से आया नहीं तो हम लोग बोले इधर सब जगह पे हो गया, सब रेशन पे आके खत्म हो गया, तुम कभी देंगे, तो बोलते और 1 हफ्ता, अभी और 1 हफ्ता भी नहीं है, 4 दिन तो बाकी है, फिर देंगे नहीं ऐसे बोलेंगे, तो बोलते कि नहीं अभी 1 हफ्ता बाकी है, देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, 2 दिन की तो बात है बांटने का, तो 2-4 जन को देंगे, 10 जन को देंगे, गिने चुन के बाद में खत्म हो गया सीधा बोल देंगे। यही हमारे साथ और एक महिला जुड़ी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आंटी आपका क्या मसला और क्या कहना चाहते हैं? आजू बाजू वाला था 2-3 जन, हम लोग आया वो लोग आगे आके उनको पूछा तो बोला कर राशन पानी राशन कभी देता है, तो बोलते अभी तक आया नहीं, तो बोला अभी तक आया नहीं कैसा, सब जगह आया है तुम्हारे इधर क्यों नहीं आया, तो बोलते गाड़ी नहीं आया, तो हम लोग उधर देखा हम बोला जान दो, फिर आदमी मैं आगे आके उसको बोला तो तुम ऐसे क्यों भड़क के बोल रहे, हम लोग हल्लू से पूछ रहे हैं ना तुमको, तो बोलता अभी नहीं आया तो क्या करेगा, 8 दिन है और, तो मैं बोला 8 दिन है मालूम है, 4 दिन भी नहीं है, मैं बोला कल यही दे, कल तुम्हारा दुकान का बंद है और परसों बासी है दे, तो 3 दिन तुम लोग बंद करेगा तो फिर क्या 1 तारीख के बाद बोलेगा नहीं है करके, तो बोलते नहीं आएगा तो हम देगा। अब तक तो आपने यहाँ के रहवासियों की सुने जो हर महीना यहाँ से राशन लेके जाता है, अब हम राशन की दुकान में जा रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है इस पर, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका क्या कहना, जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे कि आप हर महीने राशन ले, यहाँ के लोग आते लेने, आप उनको हड़जिड़ करते हो, उल्टा सीधा बात करते,
सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वक्त अभी इन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है राशन? पास अभी तक फ्री वाला राशन आया नहीं है। अच्छा, 2 रुपए 3 रुपए वाला आया और 8-12 वाला है, वो मेरे पास माल पड़ा है, बांट के भी अभी बचा हुआ है। ऐसा नहीं किसको बाकी है, अगर कोई ग्राहक बाकी है तो उसका माल मैं खा गया। मेरे पास अभी 2 रुपए वाला भी चावल बचा है। मतलब जहाँ से राशन मिलता है उनसे आपने बात किए थे? हमने ऑफिस से बात की है, उन्होंने क्या बोला है कि अभी तक असल में वहाँ क्या हो गया, गोडाउन के अंदर एक पॉजिटिव मिल गया। अच्छा। तो हमारे जो काम करने वाले आदमी थे सब भाग गए, अभी नए आदमी उनको कोई नहीं मिल रहा, इसके लिए डिलीवरी लेट हो रही है। ये जो राशन अभी आप बता रहे हैं, हाँ। तो ये कभी आया आपके पास? ये तो माल पहले ही आ गया। तो पहले का स्टॉक जो अभी ये माल पड़ा हुआ है, हाँ। वो तुमने बांटे हैं लोगों में? बांट के बचा हुआ माल है हमारे पास, फ्री वाला माल नहीं है, ये माल बांट के बचा हुआ है, अभी लोग आने वाले आ रहे लेके जा रहे, जिसका 2 रुपए का गेहूँ बाकी है 3 रुपए का चावल बाकी है। यही लोगों का ये भी कहना है कि आपने उनके आरसी नंबर चेंज किए, इस पर आप क्या कहो? आरसी नंबर चेंज नहीं किया हूँ, उसमें शॉर्टकट में मैंने 6 नंबर लागे का जो पहले का जो 27-20-10 नंबर आरसी की स्टार्ट का नंबर है वो मैंने छोड़ के आगे का जो सीरियल नंबर है लास्ट वाला, जिससे अपने को बिल बनता है। उन लोगों का कहना है कि हमने अभी आरसी नंबर चेक किए, उसी से हमको पता लगता है कि हमारा राशन कब आया कब नहीं। जब आरसी नंबर चेंज हो जाएगा तो हम हमारा राशन आया या नहीं आया कैसा पता लगा? आरसी नंबर कैसा चेंज होगा कि हर टाइम थोड़ी मैं चेंज करूंगा, हम उसी आरसी नंबर पे बिल बनाते हैं ना हर महीना। तो आपने आरसी नंबर जब चेंज किए थे तो जो आपके ऊपर जो ऑफिसर है उनसे बात किए थे आपने? नहीं नहीं, आरसी नंबर जो पहले के मिले एक ही आरसी नंबर, चेंज नंबर नहीं हो रहे। चेंज नहीं कर रहे हो? ठीक है, मैं वही पूछ रही हूँ, आरसी नंबर अगर किसी लोग बता रहे हैं 10-12 नंबर थे, 12 नंबर से अब तुमने कहीं पे 8 है कहीं पे 6 नंबर है, तो आपने अपने ऑफिसरों से ये पूछा था कि ये आरसी नंबर इस तरीके से मैं कागज लगा के उस पे नंबर, कागज लगा के स्टिकर लगा के बाकी किसको जगह है अंदर डायरेक्ट लिख दिया नंबर, तो सब लोग वैसे डायरेक्ट नंबर लिख दिए, स्टिकर लगाने की जरूरत जैसा कहीं जगह नहीं है करके उसको हम लोग स्टिकर लगा के अलग से नंबर लिख देते कि बाकी जगह खराब नहीं होए करके का कार्ड। तो वो ये नंबर आपने क्यों नहीं ऐड किया, दूसरे नंबर आपने क्यों ऐड किए जिस तरीके से आरसी नंबर है? तो आरसी नंबर आगे का 27-20-10 है पूरा मुमरा का। देखिए, हाँ। जिस तरीके से लोगों का कहना है इसमें, हाँ। 12 नंबर थे, आपने स्टिकर लगा के उस पे 6 नंबर है, किसी में 8 नंबर लगाए, तो ये 6 नंबर नहीं है, ये कितने नंबर है? 6 नंबर है, हाँ। और 6 नंबर 27-20-10 वो 6 नंबर हो गए। अच्छा। इसके आगे का, आगे के जो नंबर है 27-20-10 आते सब पूरे मुमरा का 27-20-10 है और ये रेगुलर नंबर है, 27-20 तो कॉमन नंबर हो गया मुमरा का, समझ में आया क्या? 27-20 पूरे मुमरा का कॉमन नंबर है सब कार्ड का, ऐसा नहीं कि हमारे दुकान का ही है 27-20-10, तो पूरे मुमरा का जो है पूरा 27-20-10 है। तो अभी इन लोगों का राशन आपका कहना क्या है कि कब तक आएगा? अभी हम तो बोला अभी हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के बाद तो 1 तारीख लग जाएगी, फिर इनका राशन का क्या? मैडम 1 हफ्ते का काम खाली 3 दिन का माल आएगा तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा अर्धी, ऐसा नहीं कि हफ्ते भर बढ़ते रहेगा, अभी वो प्रॉब्लम मेरी नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से ये राशन की दुकान पे राशन देने वाला आदमी किस तरीके से बात किए और अभी भी किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, यहीं के जो रहवासी लोग हैं उन लोगों को भी कितनी इस लॉकडाउन में तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और उनको राशन देने के वक्त किस तरीके से धमकाया जाता है, किस तरीके से ऊंची आवाज़ में उनको चिल्लाया जाता है, जिस तरीके से आरसी नंबर पे आज यहाँ पे आवाज़ उठाई गई है, उनका कहना है कि हर मुमरा में 27 नंबर स्टार्टिंग, सबको पता है कि मुमरा में 27 नंबर पहले ऐड होता है, उसके बाद क्या हमने नंबर दिए, लेकिन अब तक ये नहीं बोल पाए इधर के जो राशन देते हैं कि इन्होंने अपने ऑफिसरों से बात किए जब ये आरसी नंबर अपना स्टिकर जो लगा रहे थे दूसरे नंबर पे, इस पर उनका कोई बोलना चलना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दुकान पे जिस तरीके से आपने देखे भीड़ भाड़ जमा हुई, उस पे झगड़े भी हुए, कुछ लोगों ने क्या क्या कहा कि राशन की दुकान वाला हमारे साथ उल्टी बात भी करता है, उनका उस राशन जो बांटता है उस आदमी का ये भी कहना है कि यहाँ पे बैरिकेड लगाने के वजह से मेरी गाड़ी राशन की जो गाड़ी आती है वो नहीं पास हो पाई, लेकिन यहीं के जो आम लोग रहते हैं यहीं पे हमारे साथ और भी रहवासी यहाँ के हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए उनसे बात करते। आपका क्या कहना है सर, जिस तरीके से राशन की दुकान पे या जो है दे बांटते राशन, उनका कहना है कि वहाँ पे बैरिकेड लगने की वजह से राशन की गाड़ी अंदर नहीं आ पाई, इस पर आप क्या कहोगे? उनको बोलना चाहिए ना कि वो बैरिकेड खोल के दो, हमको, हम तैयार है खोलने के लिए, वो कुछ बोलते नहीं हम लोग को। तो यहाँ पे क्या सही में राशन की गाड़ी आई थी? यहाँ पे तो मैं गाड़ी देखा नहीं अभी, तो तभी तक तो मैं तो गाड़ी देखा नहीं, लेकिन गाड़ी आई थी उधर, तो उधर से उसने भेज दिया गाड़ी, उसने खुद गाड़ी भेज दिया, तो उसने बोलना चाहिए ना भाई वो खोल के दे, हम लोग अंदर भेज देते थे उसको।
तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कुछ, वो चीज़ करते ही नहीं हो, मतलब उनको खुद के इस पर पड़े लगे। मैं जब इन लोग को जरूरत है कि जाना चाहिए उधर, तो हम लोग तभी भी आ रहे तुम लोग के पास, तो तुमको कुछ बोलना चाहिए ना हमको कि भाई हमको खोल के दो। तो आप बता सकते हैं कितने दिन पहले राशन की गाड़ी आई? 3 दिन पहले आई थी गाड़ी। अच्छा, 3 दिन पहले फिर भी वापस भेज दिया उन्होंने। तो इससे भी पहले जब राशन की गाड़ी तो अंदर आती थी गाड़ी, वो तब उन्होंने मना नहीं किया, तो तभी वो खुला ही था, वो पैसों से बांटा जा रहा था राशन। अब जो राशन उनका कैसा है, उनका खुद का राशन है ना, तो बराबर खोलते उनके, बराबर हम लोग के पास आते, और ये जो बांटने वाला राशन है तो कुछ नहीं बोल रहे। मुमरा अम्बेडकर नगर से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।